हाय फ्रेंड्स, आज हम मोटो व्लॉग सेटअप करेंगे अपने हेलमेट पे। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ अपने दिखाए थे, कुछ सेटअप्स मैंने लिए थे, जैसे ये एक्शन प्रो का सेटअप है, ये ब्लू आर्मर का चिन माउंट है, तो ये मैंने लिया हुआ था। और मैंने अभी भी कुछ और चीज़ें ली हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रैप माउंट लिया हुआ है और एक ये पैकेट और है जिसको हम आज अनबॉक्स करेंगे। तो ये भी फ्लाटाफट से इनको अनबॉक्स कर देता हूँ। ये चीज़ मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्ट्रैप माउंट मैंने लिया है, ठीक है, इसको हम सेटअप करेंगे और इसको हम फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। तो ये यंत्रालय की तरफ से हैं, सेट ऑफ माउंट्स हैं ये वाले। एक्चुअली मेरे को 3M टेप्स जेन्युइन कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मैंने इनको मंगा लिया ताकि मेरे पास बहुत सारे, अब देखिए ये काफ़ी सारे जो हैं 3M टेप्स मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा जे माउंट मेरे पास अभी तक एक ही था, तो ये एक एक्स्ट्रा जे माउंट आ गया है। और ये एक पूरा इसका एक क्लैंप सेटअप है पूरा, ये एक माउंट है, ये पूरा इसका सेटअप है। इसको आप अपने हिसाब से आप किसी भी एंगल पे आप इसको कर सकते हैं, तो इस तरह का सेटअप आएगा। और ये और कुछ इसमें एक और ये 3M टेप के साथ में एक स्टीकर है, और ये स्क्रू, मतलब ये मल्टीपर्पज़ है, इसमें जो इसको इसे स्क्रू वगैरह टाइट वगैरह करने हैं तो उसके लिए की है, एक स्पैनर की तरह एक है यहाँ पे टूल। तो ये सारा सेटअप मंगाया है। अब मेरा एक्चुअली जो मेरा प्लान था वो था कि इस तरीके का चिन माउंट अपने हेलमेट पर सेटअप करना, तो लेकिन अभी क्या है, मेरा जो फ़ोन है वो है पोको X2, काफ़ी हैवी फ़ोन है, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि जो पेस्टिंग से मैं इसे यूज़ करूँगा तो उतना हैवी फ़ोन को, इतना हैवी सेटअप को कैरी कर पाएगा या नहीं, ये मेरे को बहुत बड़ा डाउट हो रहा था। तो इसलिए अब मैंने ये स्ट्रैप वाला सिस्टम मंगा लिया है। क्या होगा, ये स्ट्रैप से बंधा रहेगा तो इसमें मुझे कभी भी टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा फ़ोन जो है इसमें से लूज़ हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इससे मैं सेटअप करूँगा और माउंट्स मैं इनमें ही यूज़ कर लूँगा, जो जे माउंट वगैरह मेरे पास अब हो चुके हैं, स्पेयर्स में काफ़ी हो चुके हैं। तो फटाफट से आइए भाई, इसे हेलमेट में सेटअप करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अब जो इसका सेटअप है पूरा कैसे होगा और मैं उसे कैसे यूज़ करूँगा। तो अब हम इसका सेटअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इसका ये नोज कट हटा लेना है क्योंकि ये बीच में आएगा, ठीक है। और इसका एग्जॉस्ट अभी ओपन ही कर देते हैं क्योंकि गर्मियाँ ही हैं अभी, है ना। तो इसको यहाँ से लेके इसके अंदर से एक बार ले लेते हैं, इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको सेंटर प्लेस करके इसको यहाँ से हम टाइट कर देंगे फर्स्ट स्ट्रैप को। और स्ट्रैप की हमें पहले फिर स्ट्रैप की हमें इतनी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये दोनों स्ट्रैप जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ओके। तो पहला हम स्ट्रैप लगाने के बाद जो बाकी जो गैप होगा वो दूसरे जगह हम ले सकते हैं आराम से, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो है इसको सेंटर में ले आएंगे और यहाँ पे आ गया ये। अब हम जिसका दूसरा स्ट्रैप है इसको यहाँ बांधेंगे, तो इसको हम यहाँ लेके बस इसके अंदर से लेके बस ये आपको क्लैश दिख रहा होगा, ये बस को क्लोज़ करना है और ये फिट हो जाएगा इसके अंदर। तो अब हम ये दूसरा स्ट्रैप इसमें टाइट कर देंगे अच्छे से। चिन कर्टेन भी इसको हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा डैमेज ना हो, ओके। तो ये दूसरा भी हमारा हो गया है, इसको बस मुझे क्लोज़ करना है, ओके। तो यहाँ पर ये माउंट लग चुका है, ठीक है। हल्का सा मूवमेंट है इसमें क्योंकि यहाँ पर अभी ये जब शीशा बंद होगा ना तो ये थोड़ा सा और क्लोज़ करेगा इसको। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसे यहाँ बंद हो गया है ये प्रॉपर, ठीक है। तो ये अच्छा फिक्स हो गया है यहाँ पे। और ये मैंने इस पर जे माउंट इस पर ऑलरेडी लगा दिया है, ये देखिएगा जे माउंट इस पर लग दिया है। तो अब इस पर क्या होगा, ये आएगा और यहाँ से ये आएगा। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, हाँ इस तरीके से। एक मिनट, इसके सर्कल सही नहीं है, ये देख, ठीक है। तो यहाँ पे ये लग जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हमारा माउंट लग गया है, इसके बाद हमारा जो मोबाइल होल्डर होगा इसको हम पोजीशन कर लेंगे। एक मिनट, ओके, ठीक है, ये रहा, ये एग्जैक्ट हमारे बस सेंटर में आ जाए, ठीक है। और यहाँ से हम इसको लूज़र टाइट कर सकते हैं। तो अभी तो मेरा कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैं अपने कैमरामैन का कैमरा मोबाइल मांगता हूँ,
कि हम उनके मोबाइल को यहाँ पर सेटअप करके दिखाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से सेटअप हो गया है हमारा, ये मोबाइल को मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया है और अभी ये थोड़ा सा स्क्रीन अंदर की तरफ जाएगी मुझे पता है, बट अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल दिया क्योंकि वैसे मेरा फ़ोन नहीं है ये, मेरे फ़ोन से मैं अभी शूट कर रहा हूँ। तो उसी फ़ोन को मैं यहाँ पर लगा के आपसे अब रोड पर मिलूँगा और वहाँ पर हम इसका रोड टेस्ट करेंगे कि ये कितना सक्सेस हुआ है। तो अब आपसे मिलते हैं रोड पर, थैंक यू। तो रोड पर जाने से पहले बस आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि हेलमेट पहन के मोबाइल कैसे लगाना है। जैसे ये पूरा सेटअप है, ये मेरा मोबाइल होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे ये अभी मैंने लूज़ कर दिया है, यहाँ पे इसको प्लेस करके ऐसे टाइट किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से अपना कैमरा जो है वो ऑन कर लूँगा क्योंकि मेरे को अभी भी पार्शियल स्क्रीन जो है वो दिख रही है। कैमरा ऑन करने के बाद यहाँ से इसको एक बार फाइनल टाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये सेटअप रेडी है, अब मैं आप इससे जो भी शूट करना चाहें वो शूट कर सकते हैं इजीली। ये देखिए, तो इस तरीके से सेटअप करने के बाद अब आप इसे बाइक ले जाकर टेस्ट करना बाकी रह गया है इसका। तो अब हम इसको अभी टेस्ट करेंगे आगे अपनी बाइक को, ऑन रोड टेस्ट करेंगे इसको। नाउ वी आर ऑल सेट, अब हम अपना सेटअप ट्राई करेंगे जो मैंने अपने वाटर मोबाइल का सेटअप बनाया है। Tell me how you really feel, 'cause I don't mind.